हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं। तो बेसिकली अगर ब्रेक डाउन करें तो आपके पास नेशनल इनकम से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बैंकिंग वाले चैप्टर से हमें मल्टीप्लायर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो हमारे पास रिजर्व रेशियोज दी होती है उस बेसिस पे कितनी बार पैसा बैंक मल्टीप्लाई कर सकता है, वहां पे आपके बैंकिंग चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। उसके बाद जो एडी एएस और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक है उधर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे, वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने नहीं मिल रहे। लास्ट चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट हम एक एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन ये एक वन शॉट वीडियो रहेगा ताकि एक बेसिक हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि न्यूमेरिकल किस तरीके के आ सकते हैं, क्या क्या अलग अलग चैप्टर्स में हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं। राइट, शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, अ सम ऑफ 20 to 15 क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास हैं एंड वी आर गोना डू दैट एंड समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, किस तरीके के न्यूमेरिक क्वेश्चंस जो हम जेनेरिकली करते आ रहे हैं उससे अलग क्या आ सकते हैं। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट निकालो। क्या निकालो? डेप्रिसिएशन। देखो एक चीज समझ लो, जब भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि अप्रोच ये होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, पूछा क्या गया, फिर सोचो कि आपको उसके बारे में क्या पता है, एंड देन आप उन दोनों का जब इंटरसेक्शन सेंट्रल पॉइंट फाइंड करते हो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल एसेट का कितना हिस्सा कंज्यूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसी है जिसकी वैल्यू है 80,000 रुपए में, मैंने उसे खरीदा एंड मुझे पता है कि ये एसी 8 साल चलेगा, तो हर साल इस एसी की कितनी वैल्यू मैं कंज्यूम करती जा रही हूं, यानी 8 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू क्या, मैंने खर्चा कितना कि 80,000। 80,000 सिर्फ एक साल का खर्चा नहीं, 80,000 8 साल के लिए खर्चा हो गया है ना। तो हर साल पे कितना खर्चा है, 80,000 को 8 सालों में बराबर बराबर बांट देंगे, कितना आ गया, ये हमारी क्या हो जाएगी, हर साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। यहां पर एक और हमारे पास कई बार टर्म आ जाती है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी कि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ खत्म होने के बाद उनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कबाड़ की भी कुछ ना कुछ कीमत बच जाएगी। मान लेते हैं एसी आया 80,000 रुपए का, आया ना, कितने साल चलेगा, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। एसी को बेच के मैं मान लेते हैं कि 20,000 रुपए फिर भी कमा सकती हूँ, यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे दी हुई है 20,000 रुपए। नाउ क्या मैं 80,000 को 8 साल का खर्चा मानूंगी? 20,000 तो मुझे मिलेगा ही ना उसे बेच के, तो 80 में से पहले मैं 20,000 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, कितना आ गया मेरे पास, 60,000। अब ये जो 60,000 है ये मेरा 8 साल का क्या होगा, 8 साल के अंदर मैंने कितने रुपए खर्च किए, 60,000 रुपए, क्योंकि एंड में मुझे 20,000 तो मिल ही जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं डेप्रिसिएशन, या फिर डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या है कमेंट करो फटाफट से। डेप्रिसिएशन को कहा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आया ना। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन निकालना आपको, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितनी दी हुई है, 10 साल चलेगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की कीमत कितनी है, 400 लाख, स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं, यानी कि कुछ भी इसमें से माइनस तो होने वाला है ही नहीं। इस खर्चे को मैं क्या करूंगी, 10 साल में बराबर बराबर बांट दूंगी, जो भी मेरा आंसर आ जाएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व, हो गया। रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, सबसे पहले तो आप
शुरू कर सकते हो टू फाइंड डेप्रिसिएशन, आया ना। उसके बाद लिखो गिवन, क्या गिवन है आपको, ये चीज है एस्टिमेटेड लाइफ इज इक्वल्स टू 10 years। उसके बाद लिखो कैपिटल वैल्यू या वैल्यू ऑफ एसेट लिख देती हूँ सीधा इज इक्वल्स टू 400 lakh। उसके बाद मेरे पास है स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू निल। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू कितना है 400 lakh। इसे हम ऊपर उठा ले एक बार, कितना है 400 lakh डिवाइड बाय कितने ईयर चलेगा 10, कितना आ गया 40 lakh। यानी कि हर साल आप इतनी वैल्यू कंज्यूम कर रहे हो अपने कैपिटल एसेट्स की। ये आपका क्या है, आया ना। करोगे इस तरीके से साथ साथ सब, कॉपी पेन उठा लो अभी भी एंड वीडियो के साथ साथ आप लोग भी मेरे क्या करो, सबको सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, मैं थोड़ा जूम आउट करके मूव करती रहूंगी। यहां पर हम लोग लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। सपोज जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज इतना करोड़, GDP इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सारा गिवन लिख रही हूँ। आप भी इस तरीके से अगर चीजों को लिखोगे तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं समझने में आसानी होती है। यहाँ पे आपने लेआउट कर लिया कि मेरे पास ये चीजें पड़ी हुई है। ओके, जीडीपी इतना करोड़ है, ओके, एंड इट्स कैपिटल स्टॉक इज वर्थ इतना, कैपिटल स्टॉक इज वर्थ 3 lakh, ओके, करोड़। चलो और क्या लिखा है, इफ कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट्स एट द रेट 20% पर एनम, यानी डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या दी हुई है इज इक्वल्स टू 20%, किसका 20%, ऑब्वियसली कैपिटल स्टॉक का, यानी कि 20% ऑफ 3 lakh कितना हो गया 20/100 इंटू 3 lakh। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 2 6 0 0 0 0 60,000 मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट टू 40,000 crore, इन डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू 40,000 crore, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब्सिडीज 16 crore, सब्सिडीज इज इक्वल्स टू 16,000 crore, राइट, या 16,000 crore। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, क्या निकालने बोल दिया, डोमेस्टिक इनकम। एक चीज ध्यान में रख लो, जब भी बात हो रही है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की तो उनके एग्रीगेट्स होते हैं। डोमेस्टिक इनकम के लिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और नेट होना चाहिए, ये कांस्टेंट रहेगा। डोमेस्टिक के लिए आप डी यूज कर रहे हो, नेशनल के लिए आप नेशनल प्रोडक्ट यूज करोगे, ठीक है। नेशनल इनकम बोलो चाहे नेशनल प्रोडक्ट बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीजें सेम रहती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वजह से। तो हमें जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी आप मान के चलोगे कि एमपी पे है, आया ना, एंड आपको बोला गया है डोमेस्टिक इनकम निकालो, यानी कि आपको फाइंड करना है NDP at FC। अब देखो सिंपल नेशनल इनकम के सम्स करने का एक ही तरीका है, एक ही चीज आपको दिमाग में बिठानी है कि आप नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हो, ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हो।
डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हो, नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे आते हो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हो, इन चीजों का हिसाब किताब अभी तक हमें क्लियर होना चाहिए। यहां पर आपको आना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, आप खड़े हो जी डी पी एट एम पी पे, हाँ या ना। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को जी को एन में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ऐसे सम किया करो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक ही जगह पे सब कुछ प्लस माइनस परफॉर्म करने लग जाते हो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लिखा करो कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, कैसे जाऊंगा। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनडीपी तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी एमपी पे खड़े हो, एफसी तक पहुंचना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऑलरेडी ऐड हुए हैं, सब्सिडीज माइनस हुए हैं। जब हम फैक्टर कॉस्ट पे वापस आना चाहते हैं तो हमें टैक्सेस को माइनस करना है, टैक्सेस ने वैल्यू इंक्रीज कर रखी है उसे वापस लेके लो करना है, एंड सब्सिडीज ने वैल्यू डिक्रीज की हुई है वो अपने को हाई करना है। तो इसके लिए होता है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यानी कि अगर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जब यहां पर टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होगा ब्रैकेट के अंदर, टैक्सेस प्लस में बाहर आके माइनस में हो जाएंगे, ये माइनस में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आया ना। चलो अपन इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। चलो माइनस नेट, अब इसका मेरे को सीधा अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख, मैंने यहां पे लिख दिया। डेप्रिसिएशन मैंने फाइंड आउट किया था -60,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पास, इनडायरेक्ट टैक्स अलग पड़ा हुआ है, सब्सिडीज अलग पड़ी है। नेट के लिए क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी कि 40,000 में से आपको 16,000 माइनस करने का। कितना आंसर आ जाएगा, 0004, हाया ना। 1 माइनस किया, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि -24000 कर लोगे माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एन डी पी एट एफ सी आ जाएगा। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो अपन लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजों को लिखने का तरीका समझ लो कि हमें चीजों को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, आया ना। चलो अगले पे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखो। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फर्म बी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड यूज होगा। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, यानी कि हम क्या करेंगे, पूरे देश का प्रोडक्ट उठाएंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, पूरे देश का आउटपुट पिकअप कर लेंगे, जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी उसे यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगा कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगा पूरे देश का, एक तो हम सेल्स उठा लेंगे एंड एक चेंज इन स्टॉक उठा लेंगे। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, लिख लेते हैं यहां पर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों करते हैं, साल के एंड में मान लो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है 100 रुपए की, साल के शुरुआत में ये इन्वेंट्री थी 90 रुपए की, यानी आपकी इन्वेंट्री में भी तो आपने एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी चीज आप इन्वेंट्री में रख रहे हो वो भी तो कैपिटल फॉर्मेशन में लीड कर ही रहे हैं ना, देश का प्रोडक्ट तो उसकी वजह से बड़ा ही है ना, तो वो 10 भी अपने को क्या करने का है, इंक्लूड करने का है। तो चेंज इन स्टॉक भी यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वैल्यू एडेड निकल जाएगा। नाउ यहां पे आपको, क्योंकि देश का वैल्यू एडेड फाइंड करने को नहीं बोला गया, आपको ए और बी का फाइंड आउट करने को बोला गया, तो बहुत ध्यान से उन्हीं की सेल्स, उन्हीं की परचेजेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। यहां पे मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रही हूं, आप इसे ऊपर नीचे पार्ट वन पार्ट टू करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर मैं इसे ऐसे करूंगी, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ये मुझे क्या देगी,
GVA@MPOA। ये चीज आप ऐसे लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधा इज इक्वल्स टू डाल के बताना शुरू कर सकते हो कि आप क्या क्या प्लस कर रहे हो, राइट। एंड यहां पर मैं लिखूंगी वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। नाउ मुझे क्या चाहिए, एक ही सारी सेल्स चाहिए, बी को छोड़ दो, सिर्फ ए पे फोकस कर रहे, एक ही सेल्स बताओ कितनी। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, इन्हें क्या किया है, बाहर से सामान परचेज किया। जो भी सामान मैं परचेज कर रही हूं वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, क्योंकि वो मैं यूज कर लूंगी प्रोडक्शन के प्रोसेस में एंड एक फाइनल प्रोडक्ट बना दूंगी। तो जो भी हमारी परचेजेस होती है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। तो जो ए बाहर से क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, मुझे वो उठाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस इसको मैं थोड़ा सा यहां पर रिड्यूस कर देती हूं, एक सेकेंड। Give me a second. इसको अपन लोग सेट कर ले यहाँ पे। चलो ये मेरा एरो नहीं ड्रैग हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे करते हैं इसे। कहाँ थे हम बोल, ये रहा। हाँ भाई क्या है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, ये अपने को माइनस करने का है, माइनस परचेज बाय ए फ्रॉम अब्रॉड, ए बी आर ओ ए डी, आया ना। चलो और क्या करने का है, सेल्स बाय फर्म बी, बी का तो भी उठाने का ही नहीं है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए ने सामान खरीदा फर्म बी से, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ये भी अपने को अपनी परचेजेस हैं, इसको भी अपन क्या कर देंगे, माइनस, माइनस परचेज बाय बी, या सो बाय लिख रही हूं यहां पे, परचेज फ्रॉम फ्रॉम बी, माइनस कर दिया। और बताओ क्या है, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, कुछ मिस किया हमने, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, जो ए सामान बेच रही है वो सारा उठाएंगे, प्लस डोमेस्टिक सेल्स। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब चीजें ऐसे लिखोगे तो चीजें होंगी हॉचपॉच, हॉचपॉच आपका पेपर कोई चेक नहीं करेगा ढंग से, कोई उसके आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले, आप इरिटेट कर दोगे टीचर को। न्यूमेरिकल में तो चलो जवाब जो होगा उसके नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो आपके पेपर के लिए इरिटेट हो जाएगा। जो थ्योरी क्वेश्चन है, जहाँ पे ओपिनियन देने अपने, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे नंबर कटवा के आप लोग बैठ जाओगे, अपने को ये नहीं करने का, राइट। तो कभी भी आपका सामान ऐसा हॉचपॉच नहीं होना चाहिए कि पढ़ने में मुश्किल हो, सामान बहुत बढ़िया तरीके से लिखा जाना चाहिए। जैसे कि आप बात कर रहे हो वैल्यू एडेड बाय ए की, तो आप बताओ आप उनकी सेल्स उठाओगे एंड चेंज इन स्टॉक उठाओगे एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप माइनस करोगे। सबसे पहले इस चीज को ऐसे डिफाइन करो, उसके बाद अब आप ढूंढो कि सेल्स कहाँ कहाँ है ए की। देखो देखो एक्स डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है कि, यहां पर अब आप क्या करोगे, इसको पूरा लिखो या फिर सिंपली नंबर फोर मेंशन कर दो। डोमेस्टिक सेल्स हमने जोड़ ली एंड एक्सपोर्ट्स जो ये कर रहा है वो भी अकेले सेल है, नंबर पांच हमने जोड़ लिया। या तो ऐसे लिखो या फिर पूरा अगर लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आसानी रहती है चेक करने में, पर उसे क्लियर लिखो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखो क्योंकि ये सिर्फ सेल्स का पार्ट है। फिर आता है चेंज इन स्टॉक, देखो ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, यहां पर फर्म ए का है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग ज्यादा था क्लोजिंग कम है, ओपनिंग स्टॉक का एक्सेस है ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए यानी कि चेंज इन स्टॉक हमारा नेगेटिव होगा। जब आप क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे, ओपनिंग बढ़ा है तो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू यहां पर क्या है, 20 है, आया ना। अच्छा और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ये जो 20 है इसका नंबर चेक करो कितना है, माइनस नंबर सिक्स, ठीक है, किसको बात समझ में आ रही है। या फिर आप इसे प्लस भी लिख सकते हो, वैल्यू को यहां पे हमने नेगेटिव क्योंकि दिखा दिया है, प्लस लिखो क्योंकि चेंज इन स्टॉक की ही यहां पर बात हो रही है। अब आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस ढूंढो ए की कितनी है,
ये बाहर से अब्रॉड से परचेज कर रखा है एंड ये परचेज कर रखा है बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, कितना है 100 है, ये है 60, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड माइनस, यहां पर माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड, और देखो हमने कुछ छोड़ा, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ए बी ने परचेज किया ए से सामान, ए के लिए सेल्स हो गई, यहां पर जुड़नी चाहिए सेल्स जहां पर हमने सारी जोड़ी है, पर हम यहां पर नहीं जोड़ेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये कि क्योंकि आपको डोमेस्टिक सेल्स दी हुई है, जो भी बी ने परचेज किया वो डोमेस्टिक सेल्स में ऑलरेडी ही इंक्लूडेड माना जा रहा है आपकी बुक्स के हिसाब से, इसीलिए आप यहां पर ये वाली चीज, ये वाला जो 100 है, इसे सेल्स में ऐड नहीं कर रहे हो। ये आपके पास सामान आ गया, यहां पर क्या क्या वैल्यूज है परचेज की, परचेज ए का 60 है एंड परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी 100 है, यानी कि आप 60 प्लस 100 को क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। नाउ काम बहुत सफाई से करना है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, मैं चीजें थोड़ा ऊपर नीचे लिख रही हूँ, लेकिन स्टेप्स समझ लो, मैंने सबसे पहले मेंशन किया, उसके बाद चाहे आप नंबर्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप सीधा नाम प्रॉपरली मेंशन कर दो, उसके बाद आओ इनकी जो भी अमाउंट्स बनती है अमाउंट्स लिखो, सारी अमाउंट्स लिख लोगे, यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स को हमने प्लस करना है, कितनी है 220 एंड 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 एक्सपोर्ट्स है 60, 220 प्लस 60 माइनस 20, इधर हमने क्या माइनस करना है 100 और 60, 160, यानी कि 180 माइनस होगा, हाँ या ना, यहाँ पे प्लस में कितना है 280, कितना आ गया आंसर, ये क्या है, ये वैल्यू एडेड बाय फर्म ए है, लिखो आंसर, वैल्यू एडेड बाय फर्म, ढंग से आंसर को प्रेजेंट करना है, हाँ या ना, इसी तरीके से क्या करोगे बी का फाइंड आउट कर लोगे, बी में हमारे पास सेल्स एक साथ ही सारी की सारी दी हुई है, इस केस में जब आपको सेल्स लिखा हुआ है तो आप एक्सपोर्ट्स भी ऐड नहीं करते हो, क्योंकि आप मान के चलते हो कि सेल वाली चीज में एक्सपोर्ट ऑलरेडी ही इंक्लूडेड है, बी की सेल कितनी है 180, परचेज परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ये सेल्स होगी बी के लिए, लेकिन ये हम ऑलरेडी सेल में इंक्लूड कर चुके, तो इसे हमें बी के लिए उठाने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट्स एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है हमारे पास, कितना ओपनिंग स्टॉक से 30 बड़ा है, यहाँ पे 30 जुड़ जाएगा, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, बी ने क्या किया परचेज किया ए से, बी के लिए क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, माइनस कर दोगे 100, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, और कुछ परचेज किया है बी ने यहाँ पे हमारे पास, हाया ना, कुछ भी परचेज और नहीं किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपकी सेल्स है बी के लिए, ये आपका चेंज इन स्टॉक है, और ये आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जो नंबर दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 180 और माइनस 180 रह गया, 80 और 30 आ गया 110, ये क्या है वैल्यू एडेड बाय फर्म, आया ना, जो भी आपको करोड़ लाख ये चीजें क्वेश्चन में लिखी होंगी उसी हिसाब से आप यहां पर भी साथ में वो चीज मेंशन कर दो, आया ना, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अपन लोग, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने को बोला है, यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालना है, सबसे पहले ये एग्रीगेट ढूंढ लिया करो, आधा सामान आपके लिए, आधी चीजें करना आपके लिए आसान हो जाएगा, एंड आइटम्स देखो किसकी दी हुई है, देखो तीन मेथड्स है, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है और वैल्यू एडेड मेथड है, ये सामान कौन से मेथड में यूज होता है, इनकम मेथड में यूज होता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज रेंट वगैरह, जब भी इनकम मेथड यूज करते हो यानी कि जब आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस करते हो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है एन डी पी एट एफ सी,
इन चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखो। जब आपको पता लग गया ना कि आपके पास जो सामान है उससे कहाँ पहुंचोगे, फिर आप दिमाग लगा सकते हो कि यहां मैं कैसे पहुंच सकता हूं अगर मेरे पास एन डी पी एट FC होगा, मेरे को यहां पे पहुंचना है, यानी कि मुझे नेट को नेट में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में चेंज करना है, जिसके लिए मुझे पता है मुझे क्या करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होता है। इस तरीके से न्यूमेरिक को ब्रेक डाउन किया करो। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज देख के बताओ क्वेश्चन में कितना है, 800 दे रखा है, हाँ या ना, 800 जी। अब आप कहोगे वेजेस एंड सैलरीज भी इसे भी जोड़ दो, नहीं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक वाइडर हेडिंग है जिसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज या फिर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह आ जाता है। अगर आपको पूरा बड़ा हेडिंग ही दे दिया है फिर आपको ये छोटे हेडिंग्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वेजेस एंड सैलरीज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, हमें ऑपरेटिंग में क्या क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग में मुझे चाहिए होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर रॉयल्टी है तो रॉयल्टी भी चाहिए होती है। रेंट है क्वेश्चन में, हाँ भाई है, कितना है 200, चलो जी 200। इंटरेस्ट है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ये रहा इंटरेस्ट कितना है 100। प्रॉफिट है क्वेश्चन में, चेक करो ये रहा प्रॉफिट 300। जब आपको ये नाम सीधे दिए हुए तो आपको कहीं और कुछ चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे कि प्रॉफिट आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जब आपको पूरा प्रॉफिट, देखो क्या होता है, ये पूरा प्रॉफिट है, इसी के अंदर से कुछ प्रॉफिट जो बांटते नहीं है उसे नाम दे देते अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है उसे बोल देते कॉर्पोरेट टैक्स। नाउ अगर आपको इस पूरे पाए का वैल्यू दे दिया है फिर आपको इन छोटे डब्बों को और ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ फिर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू तक पहुंचोगे। ओके, प्रॉफिट हो गया हमारे पास, अब हमें लास्ट क्या चाहिए, एक बार देख लो कि हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे, ये हमने कर लिया, रेंट हमने कर लिया, वेजेस एंड सैलरीज नहीं करना, नेट एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं करना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ नहीं करना, प्रॉफिट कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से पैसा भेजा गया ये ट्रांसफर इनकम है, इसको भी अपन ऐड नहीं करेंगे, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट जरूर ऐड होता लेकिन क्योंकि हमें सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है इसीलिए टैक्सेस ऑन प्रॉफिट यहाँ पर ऐड नहीं होगा। मिक्स इनकम की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो उसे हम मान लेते कि वो यहाँ पर जीरो है। नाउ इसे जोड़ो कितना बन गया, 800 प्लस 200 हजार एंड 1400 बन गया, हाँ है ना। क्या बना है, एनडीपी एट एफसी, अपने को क्या चाहिए भूलना नहीं, एनएनपी एट एफसी, यानी कि एनएनपी एट एफसी कैसे आएगा, जब 1400 में से प्लस कर लिया जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो दे रखा है कहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, -20। अब यहां पर माइनस का साइन है या प्लस का साइन, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि आप क्या करोगे 1400 में से 20 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1380। गॉट इट, हाँ या ना, श्योर, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेशनल इनकम निकालने को बोला है, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, यहां पर कंफ्यूज होके आधा सम नहीं करके आना, नेशनल इनकम बोला है तो यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालने को बोला गया है। पहला मेथड है आपके पास इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, इनकम मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्सड इनकम को जोड़ करके जो हम अभी कर आए, राइट। एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनडीपी एट एफसी माइनस डीपी से यहां जाने का है
और तो कुछ चेंज नहीं है, फैक्टर फैक्टर है, नेट नेट है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने का है, जिसके लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये पार्ट आप क्या करोगे, ए पार्ट खुद करोगे क्योंकि हमने सेम सम का पार्ट किया। हम आते हैं बी पार्ट पे, जिसपे हमें कौन सा मेथड बोला गया, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सारे खर्चे उठाने होते हैं कि हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है कंजम्पशन पे, इन्वेस्टर्स कितना खर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड नेट एक्सपोर्ट्स, बाहर वाले लोग हमारे मार्केट में कितना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो हम बनाएंगे ना प्रोडक्ट, जो भी सामान बाहर एक्सपोर्ट होगा वो भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी मार्केट में ही बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, हमारे देश में इनकम जनरेट हो रही है, तो एक्सपोर्ट्स को अपन लोग ऐड करते हैं। उसी तरीके से जो इंपोर्ट करा रहे हैं, बाहर से सामान मंगा रहे, वो उनकी इकोनॉमी में ऐड होगा, तो वो हम अपनी इकोनॉमी से माइनस कर देते हैं। एनएक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जिसे नेट एक्सपोर्ट हम लोग बोल रहे हैं। जब आप ये सारे खर्चे जोड़ते हो इकोनॉमी के अंदर कि हर सेक्टर कितना खर्चा कर रहा है, तो आपको मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। खर्चे सब मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं ना, एंड हम मान के चलते हैं हम यहाँ पर ग्रॉस वैल्यूज को पिकअप कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहे हैं। यहाँ खड़े हो, यहाँ जाना चाहते हो, हाँ है ना, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि वहां पे कैसे पहुंचेंगे, हाँ है ना, नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचेंगे। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में से ढूंढ के कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। देखो देखो यहां पर ढूंढो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा हाउस होल्ड कर रहा है कंजम्पशन पे, कितने नंबर पे है ये, 14th नंबर पे है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है ये, 8,000 है, ओके। उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टमेंट वाला कितना खर्च और है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये तो देख लिया हमने, इन्वेस्टमेंट पे देखो कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर किस नाम से होगा ये, कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, ढूंढो कहां दिख रहा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एंड नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है कि कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है। इन्वेस्टमेंट में हम जो भी हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है प्लस जो डेप्रिसिएशन होता है उसको एड अप करके हम ग्रॉस वैल्यू को ही पिकअप करते हैं। तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमारा जो भी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 80, इसे ऐड कर लेंगे, एंड वो आप ढूंढते रहो, आपको क्या पता कहीं पे मिल जाए, मेरे देखने में कमी रह रही हो। कैपिटल ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, करंट ट्रांसफर्स, वेजेस, सैलरीज, रेंट, रॉयल्टी, एडिशन, ये देखो ये रहा 8th पे, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक कितना है, 1000 रुपीज, कितने नंबर पे, 7th नंबर पे, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। जब भी एडिशन बोला गया यानी कि यहाँ पे नेट एडिशन की बात हुई, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या उठा रही हूं मैं, जीडीपी या टेम्पे, यानी कि ग्रॉस चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन को भी यहां पर जोड़ लिया, एंड एडिशन टू कैपिटल स्टॉक भी यहां पर जोड़ लिया, यानी कि मैं क्या करूंगी, 1000 प्लस 80, ये कितने नंबर पे हमारा डेप्रिसिएशन, 13 नंबर पे है ये, भाई मेरा क्या जुड़ गया, हाँ, ऐसे ब्रैकेट्स डालने का काम थोड़ा कर लिया करो, जब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में आपने दो चीजें जोड़ी है पर वो रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को ही कर रहा है। उसके बाद बताओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, देखिए ये पड़ा हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 रुपए नंबर टू पे, प्लस 2000 रुपीज,
लास्टली हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स कितने, देखो एक्सपोर्ट्स कितने दे रखे हैं, एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, यानी कि बाहर से सामान आया ज्यादा है गया कम है, यानी कि इम्पोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, तो एड होने की जगह यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, 100 माइनस हो जाएगा, माइनस 100। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे आप लिखोगे भी उसको उसी तरीके से कि हम माइनस कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट माइनस कर रहे हो आप लोग, यहां पर आप माइनस कर रहे हो 9th पॉइंट को, यहां पर अगर आप प्लस 9 लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, साथ में एक रीजन एक्सप्लेन कर दो कि यहां पर क्योंकि एक्सपोर्ट को हम प्लस करेंगे इसीलिए मैंने प्लस का साइन दिया है, फिर यहां पर लिख दो कि हम प्लस कर रहे हैं माइनस 100 को क्योंकि इंपोर्ट आया हुआ है, इसलिए जो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू जो भी आपका इंपोर्ट आया है से 800 रुपए, सॉरी जो भी आपका एक्सपोर्ट हुआ है से 800 रुपए, माइनस जो भी आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो से 900 रुपए। तो ये हमारे पास माइनस 100 आ गया, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है, जो कि दिखाता है कि एक्सेस है ऑफ, एक्सेस है ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, राइट? हाँ या ना? ओके, इसे मैं यहां से हटा दूं, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब अपना काम क्या रह गया सर, प्लस माइनस करने का, चलो करो। 8000 प्लस 1080 प्लस 2000 माइनस 100, ओके। 8000 प्लस 2000 कितने हो गए, 10000, 11000, या फिर इसे अभी रख लेते हैं, उसमें माइनस कर लेंगे पहले। 8000 एंड ये हमारे पास आ गया 10000, राइट? इसमें से हमने 100 माइनस किया, 80 सीधा माइनस हो जाएगा, 980 रह जाएगा, हाँ या ना, प्लस में, ओके। कितना आ गया हमारे पास, 10980, आंसर आ गया ना? नहीं ना, अभी तो क्या है, GDP at MPI, पहुंचना कहाँ है, नेशनल इनकम तक पहुंचना है। नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम लोग खड़े हैं GDP at MP पे, यानी कि जी को एन में चेंज करना पड़ेगा, माइनस करो डेप्रिसिएशन को, ओ हो इतना काम। डीपी को एनपी में चेंज करना पड़ेगा, प्लस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी को एफसी में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि टैक्सेस इसमें जुड़े हुए हैं, सब्सिडीज माइनस हुई हुई है, अपने को टैक्सेस को क्या करने का है, वापस से, सॉरी टैक्सेस को माइनस करने का है एंड सब्सिडीज को वापस से ऐड बैक करने का, यानी कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, 980, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 80, ओके, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो कितना है, नेट एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी ओवर द फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब इतना लंबा स्टेटमेंट आ जाए दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देके ब्रेक किया करो, क्या बोल रहे, एक्सेस है फैक्टर इनकम जो बाहर के लोगों ने कमाया है हमारे देश से, एंड जो हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर के देशों से कमाया वो कम है, यानी कि बाहर से पैसा आएगा नहीं, अपने देश से पैसा बाहर जा रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेगेटिव हो जाएगी। कितनी वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, 60 दे रखी है, तो ये प्लस होने की जगह क्या हो जाएगी, यहां पर माइनस हो जाएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है हमें, देखो 600 गिवन है, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप इसे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा, चाहे इनकम से निकालोगे चाहे एक्सपेंडिचर से निकालोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। किस चीज का, नेशनल इनकम का। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, अगर नेशनल इनकम को हम ब्रेक डाउन करें, देखो मेरे हिसाब से नेशनल का ये लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद बैंकिंग शुरू हो जाएगा, तो नेशनल इनकम को अगर हम ब्रेक डाउन करें, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि यू नो कि वेजेस एंड सैलरीज कंप्यूट करके बताओ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बताओ कितना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है. चीजों को समझने के लिए, चीजों को क्वेश्चंस को नेशनल इनकम के अटेम्प्ट करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो. सबसे पहले ये कि आपके पास तीन तरीके हैं. सबसे पहला इनकम मेथड, या चलो सीरीज में ही लिख लेते हैं जैसे हमारा सर्कुलर फ्लो काम करता है, वैल्यू एडेड मेथड. सेकंड हमारे पास है इनकम मेथड. थर्ड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड. जब आप वैल्यू एडेड निकाल लगाते हो मेथड, तो आपके पास जी वी ए एट एम पी आता है, या फिर आप इसको कह सकते हो जी डी पी एट एम पी. आप डिटरमाइन करते हो, जब आप क्या करते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस करते हो, इंटरमीडिएट माइनस करते हो, उससे आपको ये वाला एग्रीगेट मिलता है. इनकम मेथड में जब सारे देश की इनकमें जोड़ते हो आप, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सड इनकम, तो आपको मिलता है एन डी पी एट एफ सी. एंड जब आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हो, अगेन आपको मिलता है जी डी पी एट एम पी. हमेशा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप खड़े कहां पर हो. आप जब भी कोई भी प्लस माइनस कर रहे होते हो इन सम्स के अंदर, तो इन तीनों में से एक एग्रीगेट आपको मिलता है. एंड उस एग्रीगेट से आपको कहीं भी जाने को बोला जा सकता है. आपको बोला जा सकता है कि एन एन पी एट एफ सी निकालो, तो क्या करोगे? अगर यहां से आना चाहते हो यहां पर, क्या करोगे? ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन. डीपी को एनपी में चेंज करना है, प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एमपी को एफसी में चेंज करना है, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पहुंच जाओगे यहां पे. यानी कि कोई भी एग्रीगेट से आपको कहीं भी पहुंचने की बात की जा सकती है. तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें, कैसे कैसे सब याद रखे? सब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ रिलेशन समझ लो कि जब भी आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा. जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. जब भी आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा. जब भी डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा. जब भी आप एमपी पे खड़े हो और आप एफसी पे जाना चाहते हो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बाहर निकालने पड़ेंगे. एफसी से अगर एमपी पे आना चाहते हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पड़ेंगे. आपके पास सिर्फ यही तीन रिलेशंस. इन तीन रिलेशंस एंड इन तीन एग्रीगेट्स को अगर ध्यान में रख लेते हो कि आप क्या प्लस करके यहां पे पहुंचे हो, क्या प्लस करके यहां पे पहुंचे हो, क्या प्लस करके यहां पे पहुंचे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नेशनल इनकम में आनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, नेशनल इनकम के बाद हम लोग आ जाएंगे बैंकिंग चैप्टर. बैंकिंग चैप्टर में आपको बहुत विविड या वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने नहीं मिलेंगे, टफ नहीं होंगे. जैसे यहां पर लेते कि एक इकोनॉमी है, मान लो उसके इनिशियल डिपॉजिट्स कितने दे रखे हैं भाई, 500 करोड़ है. लीड टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट्स में हमने इनिशियल यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स जो है और प्लस जो भी सेकेंडरी डिपॉजिट्स है, जो बार बार लोन लेंड करके लोन देके क्रिएट हो रहा है, सबको जोड़ के जो टोटल डिपॉजिट हमारे पास बना है वो है 10,000 करोड़ का. ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर निकालने को बोला है. अब देखो न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका यही होता है, ये आपको गिवन है, ये उसका प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है. अब सोचो जब भी किसी दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो
तो दिमाग कैसे चलाते हो कि यार मेरे को क्या पता और इसका प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो इसका प्रॉब्लम ये है दोस्त का तुम्हारे। अब देखो तुम्हें क्या पता है, हमें पता है मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर होता है 1/CRR या LRR लिख देते हैं, लीगल रिजर्व रेट। देखो यहां पर दे रखा है रिजर्व रेशियो कितना है, ये तो गड़बड़ वाली बात है, रिजर्व रेशियो ही नहीं दे रखा, अब तो सम सॉल्व ही नहीं होगा। मल्टीप्लायर का कोई और रिलेशन पता है क्या हमें? हाँ, एक और रिलेशन पता। क्या होता है वो रिलेशन? कि जो भी हमारे टोटल डिपॉजिट्स हैं वो हमें पता कैसे चलते हैं? मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि मल्टीप्लायर आपको यही बताते हैं ना कि इनिशियल डिपॉजिट जो था वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय जब के करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं? मेरे टोटल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, हाँ या ना? ओके, तो मतलब अगर मैं यहां पर क्या करूं, टोटल डिपॉजिट्स की वैल्यू पुट कर दूं एंड के तो पता नहीं, इनिशियल डिपॉजिट्स की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे मल्टीप्लायर पता लग जाएगा, हाँ या ना? करके देखते हैं, चलो यहां पर मैं इसे सॉल्व करती हूं। ये टीडी की वैल्यू है, ये इनिशियल डिपॉजिट्स की वैल्यू है, ये 500 उधर इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन 500 इज इक्वल्स टू के, 5 2s are 10, के की वैल्यू इनके हिसाब से आ रही है 20, पर मुझे तो पता नहीं है सही है कि नहीं। अभी चेक कर लेते इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे। इनिशियल डिपॉजिट्स ये आपको करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये जस्ट वी आर चेकिंग इट राइट नाउ। इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे पास 500 थे, अगर 520 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। इकोनॉमी में इतना ही टोटल डिपॉजिट पड़ा, हाँ इतना ही टोटल डिपॉजिट पड़ा, यानी कि के की वैल्यू हमने क्या कर ली है, मल्टीप्लायर की वैल्यू सही सही फाइंड कर ली है। क्या किया मैंने, वापस देखते हैं। देखो इनिशियल डिपॉजिट्स आपको कुछ ना कुछ दिए हुए थे, हाँ या ना, एंड टोटल डिपॉजिट्स कुछ ना कुछ दिए हुए थे। नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू वाज के फाइंड करना था, के का रिलेशन सोचा कि मुझे क्या पता है, प्रॉब्लम समझ के देखा मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है के इसके इक्वल होता, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग है, मैं फंस गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने के का कोई और रिलेशन देखा कि मुझे कोई और चीज भी पता है क्या, तो मुझे ये वाली रिलेशन याद आ गया। फिर मैंने क्या किया, टीडी मेरे पास थी उसकी वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल डिपॉजिट था उसकी वैल्यू पुट कर दी, पूरी इक्वेशन में अगर सिर्फ एक चीज मिसिंग रह जाए तो मैं आंसर निकाल ही लूंगी। तो मैंने यहां से क्या किया, के की वैल्यू पता कर ली, के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20 आ गई, ये मेरा क्या है, इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है, आया ना? चलो, यानी कि बैंकिंग में आपके क्वेश्चंस हमेशा मल्टीप्लायर के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे, आपको के की वैल्यू मिसिंग कर देंगे या फिर के की वैल्यू दे देंगे एंड बोलेंगे सीआरआर फाइंड करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, आपको के की वैल्यू दे देंगे, इनिशियल डिपॉजिट्स दे देंगे बोलेंगे टीडी ढूंढ के बताओ, आपको के की वैल्यू दे देंगे टोटल डिपॉजिट्स दे देंगे बोलेंगे इनिशियल ढूंढ के बताओ, यहीं पर आपके सम्स बैंकिंग चैप्टर के रिवॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं एडीएस पे, एडीएस पे। लोग इस चैप्टर का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली लिमिटलेस। दिस चैप्टर अगर इसका न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो आपको टेस्ट करेगा, आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे नेशनल इनकम के लिए मैं आपके लिए लेआउट तैयार कर सकती हूँ, एडीएस के लिए हम ऐसा कोई पर्टिकुलर लेआउट नहीं तैयार कर सकते, कितना फॉर्मूला रट्टा मारो। इसमें फॉर्मूला 2-3 ही बनता है, ठीक है? समझ लो, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल्स टू C बार डी वाई, ये होता है हमारे पास। नाउ व्हाट दे आर गोना टेल यू इस क्वेश्चन में, अगर क्या करेंगे वो बोलेंगे C ढूंढ के बताओ, ठीक है? ये भी दे देंगे और इन चीजों की वैल्यू भी दे देंगे, वो आसान अभी ढूंढ देंगे, लेकिन वो क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि C बार इज इक्वल्स टू 20% ऑफ Y, ठीक है? y की वैल्यू दे देंगे समझ लो 20,000। नाउ यहां पे हम लोग ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से वो किसी भी चीज की वैल्यू दे सकते, हो सकता है वो c की जगह एमपीसी की वैल्यू बोल दे इस तरीके से एंड बोले c निकाल के बताओ। यहां पर हम लोग एक लिमिट नहीं सेट कर पाएंगे एडीएस में, बट एक और बात भी है कि इसमें ना क्वेश्चंस होंगे बड़ा सिंपल,
कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बस हमें वो फोकस वहां पे रखना पड़ेगा कि गिवन और जो हमें पता है उसके बीच में रिलेशन कैसे बनाया जाए। यहाँ पर आप उस चीज में हल्की सी दिक्कत महसूस कर सकते हो अगर आप रेगुलरली पढ़ के नहीं आए हो या हमने ये चैप्टर अभी तक उठाया नहीं, तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप पुराने लेक्चर्स जो है उन्हें जाके एक बार देख सकते हो या फिर ADES को एक बार आप थॉरली रिवाइज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है यू गेट इन टच विद अस, फिर और एक बार पढ़ लेंगे और क्या हाल है इस चीज का, राइट। बट हाँ आई विल से कि ADES में यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन एंड यू विल हैव टू फॉर्म दैट कनेक्शन, वो आपके पार्ट पे एक चीज रहेगा। ये न्यूमेरिकल उस तरीके के होंगे, न्यूमेरिकल रहेगा बहुत ईजी ऐसे। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 20%, MPS इज 20%, ठीक है, एंड इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है, द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 100 करोड़। कंजम्पशन दो तरीके की होती है, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस्ड। नॉर्मल जो कंजम्पशन की हम बात करते हैं दैट इज इनकम के साथ रिलेटेड होती है, ज्यादा इनकम ज्यादा कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऐसी कंजम्पशन होती है जो इनकम से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता 100 रुपए कमा रहे हो 80 रुपए कमा रहे हो, जो बेसिक रोटी पानी का खर्चा वो तो करना ही पड़ेगा, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। ओके, सो हमारे पास यहां पर क्या है, एट ऑल लेवल्स एंड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 100 CR, कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द गिवन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता, कंजम्पशन फंक्शन होता है सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, हाँ या ना, नो व्हाट आई नीड इज मुझे चाहिए वाई नहीं है, बी MPS है बी नहीं है, MPC चाहिए, बी का मतलब होता है MPC, वो चाहिए वो नहीं है, 20% ऐसे दिया हुआ है, 20% को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं 0.2। मुझे एक बात पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, यानी कि MPC फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस MPS कर दो, यानी कि बी की वैल्यू, MPC को बी बोल देते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.2, 0.8 आपका रफ वर्क है, आया ना। यहां पर हम पुट कर सकते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन मुझे पता है, यानी कि सी की वैल्यू 100 प्लस 0.8। नाउ क्वेश्चन में वाई का कोई आसार नहीं है, कोई चीज नहीं बताई गई है, तो आप वाई को यहां पर ऐसे ही लिख दोगे, यही आपका क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। उन्होंने आपको सी फाइंड आउट करने को नहीं बोला, कंजम्पशन फंक्शन ही कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, जिससे वो चेक कर पाए कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कितना कितना कंजम्पशन रहेगा, तो हमने कंजम्पशन फंक्शन क्रिएट करके दे दिया। ये आपका क्या है आंसर, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंजम्पशन एंड सेविंग। अब यहाँ पे सी एंड एस कंप्लीटली फाइंड करने को बोला गया है, व्हेन सी इज 100, MPC इज 0.5, वाई इज 2000, देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन, When is there आएगा यहाँ पे, is there a greater increase in income as compared to consumption when income changes to 2500, यानी कि change in income भी दे दिया आपको कितना 500 होगा। अब सवाल बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, यही मैं कह रही हूँ, इस चैप्टर की कोई हद नहीं है, कैसा भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, पर बेसिक लॉजिक रहेगा क्या है। पहले तो मान के चलेंगे हम ये कि हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, क्योंकि सी एंड एस तो फाइंड करने को ही यहाँ पर बोला गया है, हाँ या ना। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या समझने की जरूरत है कि हमें उन्होंने बोला है कि इनकम पहले इतनी थी अब इतनी है, सबसे पहला है कि सी ढूंढ के बताओ और एस ढूंढ के बताओ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, लास्ट लाइन क्या लिखी है, इज देयर अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंज। तो आपको पता करना है कि इनकम में चेंज इतना है, कंजम्पशन कितना चेंज करेगी, एंड जब आप ये पता कर लोगे कंजम्पशन कितना चेंज करेगी, फिर आपको कंपेयर भी करना है कि इनकम में ज्यादा चेंज है या कंजम्पशन,
ये सवाल है, प्रॉब्लम ये है। गिवन समझ गया, हाँ या ना? अब अपने को समझना कि अपने को क्या पता है, सी कैसे निकाल सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन से, हाँ या ना? क्या है, सी बार 100 दिया हुआ है, बी की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, वाई की वैल्यू यहाँ पर 2000 है, हाँ या ना? मैं यहाँ पर 2000 यूज कर रही हूँ, 2500 यूज नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्होंने क्या बताया था कि एस और सी फाइंड करो अगर ये डाटा आपको गिवन है तो। अगला डाटा तो मुझे अगले सवाल के लिए दिया हुआ है, कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है, 2500 वाला। तो अभी मैंने ये वाला डाटा सारा उठा लिया, यहां से मैं क्या करूंगी, सी की वैल्यू निकाल लूंगी, इसी तरीके से एस की वैल्यू निकाल लूंगी, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार माइनस 100 प्लस 1 माइनस बी, अगेन कितना हो जाएगा 0.5 ही आ जाएगा, 0.5, वाई कितना है 2000, इन दोनों को सॉल्व कर लूंगी, सी और एस निकल जाएगा। नाउ द थिंग इज कि चेंज कैसे निकालूं, चेंज की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि ये मुझे एक सी तो मिल गया, चेंज के लिए दूसरा सी भी चाहिए तो निकाल लो ना, इनकम ही तो चेंज करना है। यहाँ पे 2000 की जगह क्या पुट कर लो, नया इनकम पुट कर लो, नया इनकम पुट कर लिया, हाँ या ना? तो उससे आपके पास क्या आ जाएगी, नए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो C1 में से C0 को क्या कर दो, माइनस कर दो, C में पता लग जाएगा चेंज कितना आ रहा है। जब पता लगा कि C में चेंज कितना आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, Y से कंपेयर हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। लो यहां पर हमारे पास क्या है, इसको अपॉन 10 लिख दूं, 0 कैंसिल कर दूं, 100 प्लस 5 टू जा 10, 1000 प्लस 100 1100, यहां पर क्या है माइनस 100, 5 अपॉन यही चीज बन जाएगी प्लस 1000 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 900। नाउ मैं सी एक और फाइंड कर लेती हूं यहां से, सी इज इक्वल्स टू सी बार, प्लस बी वाई, सी बार कितना है 100 प्लस बी कितना है 0.5, वाई कितना है 2500, गया 100 प्लस 525, 25 25 25 5 2 10 एंड 125, 125 एंड 0 कितना आ गया 1350। नाउ व्हाट वी गोना डू इज चेंज चेक करेंगे सी में कितना चेंज आया है, न्यू वाला सी माइनस ओल्ड सी, ठीक है, इसे C1 लिख देती हूँ, इसे C0 लिखा हुआ है, राइट। कितना है मेरे पास न्यू सी 1350 माइनस ओल्ड सी कितना था, सॉरी ये रहा 1100, कितना आंसर आ गया 052, 250 आ गया, आया ना? ये कितना है, किस में ज्यादा चेंज हो रहा है, इनकम में, आया ना? यानी कि यहां पर इन्होंने बोला इज देयर इंक्रीज इन इनकम, इज देयर अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन द इनकम चेंजेस टू 2500। हम क्या कर देंगे, नहीं, हाँ सॉरी, यस, इनकम में क्या है ग्रेटर चेंज है, हाँ, किसको बात समझ में आ रही है। नाउ लेट्स सी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, इफ एन इकोनमी चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इतना, क्या दिया हुआ है आपको, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये जो आपको ए और आई का सिग्नल है, ये ए को हम ट्रायंगल की तरह समझ रहे हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है आपको 700 CR दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS दिया हुआ है 0.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर, K का वैल्यू निकालना है, अगेन प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि K का वैल्यू ढूंढो, मुझे K का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या पता है, K मुझे पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है,
मुझे पता है के अपॉन वन माइनस एम पी सी होता है, मुझे पता है के इज इक्वल्स टू वन अपॉन एम पी एस होता है, कुछ दिया हुआ है यहाँ पे जहां से के की वैल्यू निकल सके, है ना? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन जीरो पॉइंट टू टेन मल्टीप्लायर इज फाइव, आया ना? और क्या पूछा हुआ है बी पार्ट में, चेंज इन इनकम निकाल के बताओ। अब क्या करें भाई, इनकम कैसे निकाल के बताए, मुझे क्या रिलेशन पता है, के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आया ना? चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, इनकम पता नहीं है, के का वैल्यू कितना है, पांच है, पांच इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 700, इस 700 को यहां ले आऊंगी, 75 35, चेंज इन इनकम कितना है 35। यहां पे इस चैप्टर में आपको इन रिलेशंस पे काम करना पड़ेगा, कि ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कैसे आपको ये डिटरमाइन करोगे कि क्या मिसिंग है, कहाँ देखा था, किसके साथ रिलेट करेगा, यहाँ पे हमें वो इंटरलिंकेज बिल्ड करना पड़ेगा। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 400 करोड़, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, चेंज बताया हुआ, बोला है ना कि इंक्रीज किया है, कितना है, आय का वैल्यू 400 करोड़। एंड एमपीसी इज 0.8, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स, बोला है कि इनकम में कितना इंक्रीज आएगा एंड सेविंग्स में कितना इंक्रीज आएगा, कैसे निकालोगे सूत्र, कैसे निकालोगे, कहां रिलेशन में ये सब चीजें सेट बैठती है, एमपीसी आपके पास है या ना, मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन होता, के इज इक्वल्स टू चेंज इन आई अपॉन सॉरी चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई, वन अपॉन एम पी एस, वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल सकती है गिवन चीजों में से, हाँ के ना? अच्छा मल्टीप्लायर क्यों निकालना, मल्टीप्लायर तो निकालने को ही नहीं बोला, मुझे बताया मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, यानी कि क्वेश्चन में आए तो पता है, के भी अगर पता लग जाए इस तरीके से तो फिर मैं y की वैल्यू निकाल पाऊंगी, y की वैल्यू ढूंढने को बोला तो है, हाँ वो तो ठीक है, पर s कैसे निकलेगा, m p s क्या होता है, चेंज इन s अपॉन चेंज इन y, चेंज इन y तो यहां से मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन m p s भी तो नहीं पता, सेविंग्स कैसे निकालोगे, m p c तो पता है, अगर एम पी सी पता है तो एम पी सी को अगर वन में से माइनस कर दूंगी तो एम पी एस ही तो आएगा, अच्छा एम पी एस भी पता लग गया, वाई भी पता लग गया, फिर तो एस, बोलो इसको बात समझ में आएगी, इस तरीके से यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो क्वेश्चंस रह गए, फटाफट से करते हैं, चलो हमारा यहाँ पे एडीएस मैंने कुछ हद तक आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको ट्रिक करने की यहां पर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट से, राइट, गवर्नमेंट बजट से क्या है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालने को बोला गया है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें से जब हम टोटल रेवेन्यू बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ बोरोइंग्स वाले रेवेन्यू को छोड़ के, उसे हम उससे हमें फिस्कल डेफिसिट पता लगता है, यानी कि देश को कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा वो पता लगता है। कैसे निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये आप पूरा लिखेंगे, आप टीईटीआर नहीं लिखेंगे। टोटल रेवेन्यू कितना भाई, टोटल रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू और कैपिटल को जोड़ के टोटल बनेगा, टोटल गिवन ही नहीं। अब क्या करें, मुझे पता है कि फिस्कल डेफिसिट इसके तो बराबर होता ही होता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के भी बराबर होता है। कैसे, जब मैंने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर दिया सिर्फ बोरोइंग्स वाला पैसा छोड़ के, तो जितने भी खर्चे एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, जितना भी मान लो टोटल एक्सपेंडिचर 100 है,
टोटल रेवेन्यू देश का 80 बनता है, तो जो 20 रुपए का डेफिसिट आया ये गवर्नमेंट मांग के लाएगी ना, कहीं से बोरोइंग करके लाएगी ना, तो फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन में बोरोइंग दिया हुआ है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा हमारा, 50,000 हो जाएगा। हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। वो कहते हैं जो पैसा बोरो कर रहे हो ना, उसमें से जो पैसा तुम इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए यूज करने वाले हो, अगर उसको छोड़ दे तो बताओ कि आज के खर्चे के लिए कितना पैसा कम पड़ता है, वो हमें कौन पिक्चर बताएगा, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया है, 50,000 आ गया, इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट हमें नहीं दिया हुआ। फाइंड द फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में दिस इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, आपके लिए यहां पर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, यहां पर आप नहीं निकाल पाओगे सामान। हाँ, अगर प्राइमरी डेफिसिट की जगह आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालने को बोला होता, या तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखने में गलती हो गई, रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकालने बोला होता तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करके फाइंड आउट कर लेते जिसका सामान पड़ा हुआ है। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 70,000 एंड रेवेन्यू रिसिप्ट है 15,000, कितना आ गया 60, एंड ये आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के लिए आपको इंटरेस्ट जरूर दिया होना चाहिए था, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया होता, पर क्योंकि यहां पर हमें इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, इसीलिए हम कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि बेसिकली यहाँ पे मैंने क्यों गवर्नमेंट बजट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस सिंपल ही रहेंगे, आपको क्या कर देंगे मैक्सिमम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि जो इंटरेस्ट है वो 20% ऑफ फलाना, या एक आइटम का बोल दे, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले कि बोल दे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 देने की जगह वो आपको बोल दे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 50% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, एंड क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिसिट का वो अमाउंट दे दे आपको 50,000, तो 50,000 का 50% कितना हुआ, 25,000 हुआ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका, 25,000 हो जाएगा। इस तरीके से वो आपको ट्रिक कर सकते हैं, बट फाइंड तीन ही चीजें यहाँ पे मोस्टली करने को कही जाएंगी, दैट इज के फाइंड करो फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या फिर रेवेन्यू डेफिसिट। मैक्सिमम आपको पूछा जा सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल के बताओ या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट निकाल के बताओ, कैसे, मतलब जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला रहता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उस केस में क्या होगा, ये दे देंगे आपको रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट दे देंगे, बोलेंगे एक्सपेंडिचर निकालो। इस तरीके से प्लस माइनस में भी, प्लस माइनस में ही आपके यहाँ पर सम्स खेलने वाले हैं। लास्ट हमारा सम क्या है, ओके, सो हम लोग कर रहे हैं बीओपी का क्वेश्चन। दिस लास्ट क्वेश्चन आई एम री शूटिंग इट बिकॉज मैंने ओरिजिनल वीडियो में लास्ट के कुछ मिनट्स में आवाज नहीं आई है, सो वी विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्वेश्चन है, जिसमें बात हो रही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक डेफिसिट शो कर रहा है 1,200,000 का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जब आप मर्चेंडाइज बैलेंस की बात करते हो, यानी कि बीओपी है, ये फोकस रहेगा कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा बाहर से आ रहा है। नाउ व्हाट वी वांट इज जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ट्रेड के अगेंस्ट कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है उसे देख रहे हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है जिसके बदले पैसा आएगा, एंड कितना इम्पोर्ट हो रहा है जिसके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा। नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, तो यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अ डेफिसिट, यानी कि जब आपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को माइनस किया तो आपका इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि हमें एक नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है, दैट इज 1,200,000। नाउ This is the given information. Let's read कि पूछा क्या जा रहा है,
एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज इज 1/4 ऑफ इम्पोर्ट. अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो एक्सपोर्ट है ना दैट इज 1/4 ऑफ इम्पोर्ट. कि जितना इम्पोर्ट है उसका चौथा, उसके चार हिस्से कर लो, उसमें से जब एक हिस्सा उठाओगे वो क्या है, एक्सपोर्ट की वैल्यू है. नाउ व्हाट वी वांट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इम्पोर्ट कितना है नहीं पता, एक्सपोर्ट कितना है नहीं पता, निकालना है. कैसे निकालोगे, हमें पता है कि अगर हमारी इक्वेशन में एक चीज मिसिंग रह जाए फिर हम उसे ढूंढ सकते हैं, दो चीजें मिसिंग हो तो नहीं ढूंढ सकते. अब ये रिलेशन है हमारे पास, यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमें पता है, एक्सपोर्ट भी नहीं पता इंपोर्ट भी नहीं पता, दो चीजें मिसिंग है, मेरे को दिक्कत है. अब यहां से दिमाग लगाओगे कैसे सिर्फ एक ही चीज मिसिंग रह सकती है. अगर इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, लिखने की जगह एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है 1/4 ऑफ इंपोर्ट, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगी 1/4 ऑफ इंपोर्ट, क्या ये एक्सपोर्ट है, एंड माइनस क्या कर मैं एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट. लेट्स मेक सेंस आउट ऑफ इट, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पर. देखो आपकी बुक इसको कैसे लिख देगी, लेट्स अज्यूम इंपोर्ट इज इक्वल्स टू एक्स, इंपोर्ट को एक्स मान लो, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1200, वो लिख लू यहां पर 1200 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, ऑफ को मल्टीप्लाई लिख लू, हाया ना एक्स माइनस, एनी प्रॉब्लम विद दिस, क्या किया मैंने, बोला 1/4 ऑफ एक्स एक्सपोर्ट है एंड इंपोर्ट को एक्स मान लिया, इंपोर्ट का ही 1/4 एक्सपोर्ट बना है ना. ये रिलेशनशिप सब यहां पे हमें क्या करने पड़ेंगे, बिल्ड करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा. सिंपल मैथ्स हमने यहां पर यूज किया. एक चीज हम यहां पर मिस क्या कर रहे हैं कि जो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड मिला था वो पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, हमें डेफिशिएट में मिला था, डेफिशिएट बैलेंस था, इसलिए यहां पर एक नेगेटिव का साइन हमने लगा दिया. लेट्स सॉल्व इट. 1200 इज इक्वल्स टू, यहां पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का ऑपरेशन है यहां पर, एक्स माइनस इसके नीचे 1 है, हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 ले लिया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 4. जो चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है वही चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि मेरे पास ऐसा इक्वेशन बन गया. और सॉल्व करते हैं इसे, 1200 यहां डिविजन में इसे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू माइनस 3x, माइनस माइनस कैंसिल, 3 यहां पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू x, क्या वैल्यू आ गई 3, 4, 4, 4, 16, किसकी वैल्यू है ये x की, यानी कि हमारे पास x क्या था, x इज इक्वल्स टू इंपोर्ट था, इज इक्वल्स टू खत्म क्वेश्चन है. एक्सपोर्ट भी तो ढूंढना है, एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी 1/4 ऑफ इंपोर्ट, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, या फिर एक्स अपॉन 4 लिख ले, यानी कि 16/, कितना आंसर आ गया, किसको बात समझ में आ गई, एक्सपोर्ट की वैल्यू ढूंढ ली एंड इंपोर्ट की वैल्यू हमने दोनों क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली. नाउ व्हाट आई एम गोना से इज कि हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आज करके देखे है ना, कुछ चैप्टर्स को हमने ज्यादा एक्सप्लोर किया, ज्यादा समझने की कोशिश की, ज्यादा प्रेशर डाला. लास्ट के चैप्टर्स में मैंने उतना ज्यादा एम्फसिस नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वही 2-3 चीजों पर ही बेस्ड करके रहेंगे. जैसे गवर्नमेंट बजट में आपके डेफिसिट के अराउंड ही चीजें घूमती रहेंगी, यहां पर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बीओपी का बैलेंस जो हमारा बनता है, यू नो जब हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, वहीं पर चीजें रिवॉल्व करती रहेंगी. अब इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपको किन किन चैप्टर्स के और न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत महसूस हो रही है, प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं.
उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, जो भी कॉमेंट्स है उसके लिए एक सेकेंड पार्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी डाउट है जिसको डिकोड करने में आपको दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे, आप हमें बताइए सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट विद दोज न्यूमेरिकल्स टू। इनसे आप एक बेसिक आइडिया बिल्ड कर पाए होंगे कि हर चैप्टर में किस तरीके का क्वेश्चन स्टफ, न्यूमेरिकल स्टफ आपको देखने को मिल सकता है। स्टिल आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, गेट इन टच विद अस, वी विल हेल्प यू आउट एंड टुगेदर वी कैन गेट गुड नंबर्स। न्यूमेरिकल्स इतना ट्रॉमा देने वाला, स्ट्रेस देने वाला आपके लिए नहीं होगा अगर हम सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखेंगे, एक चीज को, गिवन क्या है, हाया ना, हमसे पूछा क्या गया है, एंड फिर उसका लिंक क्रिएट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, आपके क्वेश्चन का जीपीएस तैयार हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये देखो, क्या आपसे पूछा जा रहा है ये समझो, फिर उस हिसाब से उसका सोल्यूशन निकाल दो, एक लिंकेज वहां पर क्रिएट कर। That's it for today. मिलेंगे और वीडियोस के साथ और नई चीजों के साथ आने वाले दिनों में। तब तक के लिए keep studying. Have a good day.